तरफ, यहाँ नीचे झील है और यहाँ पे झील का एंड होता है। तो मछली अक्सर एंड में ही लगती है क्योंकि ये बारिश का सीजन चल रहा है, पानी तो गिरा नहीं, लेकिन पानी गिरेगा तो मछली यहाँ इस छोर पे इकट्ठी होगी। क्यों? क्योंकि ये नदी आएगी तो यहाँ से मछली ऊपर की तरह जाती है, तो ज़्यादातर चांस हैं कि मछली यहाँ मिल सकती है, तो हमें नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मछली यहाँ पर मिल सकती है, हम यहीं पर फिशिंग करेंगे। चलो ट्यूब को फुला लेते हैं जल्दी से। तो इसको हम कस देते हैं। तो दोस्तों एक हमने ट्यूब को भर लिया, इस तरह से हमने इसको बांध लिया है। इधर से मैं पांव डालूंगा, इधर बैठूंगा और नेट डालूंगा। तो अब हम देखते हैं नेट को कैसे डालना है, कैसे फिशिंग करना है। तो गाइस हम यहाँ से नेट को स्टार्ट करेंगे और उस तरफ डालेंगे, इसको हम पूरा पैक कर देंगे, बंद कर देंगे, फिर इसके अंदर जो फंस रहेंगे तो उसमें फंस जाएंगे, क्योंकि ये नया भी है तो ज़्यादा चांस है मछली मिलने के। उसमें ट्यूब लगा हुआ है, ट्यूब को आपको मालूम है वेट है, लचीला है, तो आराम से नीचे बैठ जाएगा, तो जिससे बहुत ज़्यादा चांस बन जाते हैं अपने फिशिंग के लिए तो मछली मिले। इस तरह से हम इसके में बैठने के बाद जो दो छोड़ थे उसमें से एक हमने ऊपर बांधा हुआ था, ऊपर वाला ये छोड़ लेंगे और इस तरह से एक लकड़ी लेकर कहीं पे भी इसको बना देते हैं। अब इधर से अपनी नेट फिक्स हो गया, अब हम इसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम पकड़े हैं रख के, ये आप देख सकते हो, और इस तरह से हम नेट को छोड़ के जाते हैं इधर से, हाथ से ऐसे करके। बहुत इजी है गिल नेट डालना ट्यूब वाली, क्योंकि ये फंसती नहीं है, सबसे मेन चीज़ है फंसना, अगर फंस जाए तो फिर बहुत मुश्किल रहता है, चांस ज़्यादा हैं अपने फंस मिलने के, क्योंकि नेट अपना नया है और इसमें ट्यूब लगा हुआ है। और जितना हो सके कोशिश इतनी रहे कि इसको शांत पानी में डालें, जो बह रहा हो उसमें तो बिल्कुल ही डालने का रिस्क ना लें, क्योंकि ये बह जाता है साथ में और फटने के ज़्यादा चांस रहते हैं। आप देख सकते हो वो फ्लोटिंग लाइन तैर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं अपनी बॉल फ्लोटिंग लाइन में, डालते जाते हैं नीचे के हिस्से को, इस तरह से रिलीज करते जाते हैं। तो यहाँ पे नेट ख़त्म हो गया है, अब इसका जो लास्ट भाग है इसमें भी हमने रेशम छोड़ा हुआ था, तो इसको हम यहाँ कहीं बांध लेंगे, इस तरह से हमने बांध दिया। तो वहाँ पे हमने इसका लास्ट भाग बांध दिया है, अब इसको हम एक बार चेक करते हैं, उसको चेक बेसिक हम यही करते हैं प्रॉपर डला है कि नहीं, और इसमें चेक करने के लिए वैसा कुछ नहीं है, इसको एक बार चेक करेंगे और कुछ टाइम के लिए हम यहाँ पर डला रहने देंगे इसको, फिर उसके बाद हम फाइनली चेक करेंगे। नीचे तो प्रॉपर बैठेगा ही क्योंकि इसमें हमने ट्यूब का इस्तेमाल किया है नीचे, तो ये हमने अपना सारा नेट चेक कर लिया एक बार। अब ये बेसिक चेक था कि नेट कहीं फंसा तो नहीं है, गलत तो नहीं डला है, अब इसके बाद हम 10-15 मिनट बाद चेक करेंगे फाइनल। इसको थोड़ी हम पास लगा देते हैं उखाड़ के, पास इसलिए लगाते हैं कहीं कि ढीला हो जाए और नेट, जितना ढीला रहेगा उतना ही बेहतर रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको एक बार और फंसा देते हैं कहीं, इसको अपन 10-15 मिनट बाद देखेंगे। तो हमारा नेट वो डला हुआ है वहाँ तक,
तो अब हम पीछे से पहुंच रहे हैं, नेट बह चुकी है पूरे, तो अब हम जल्दी से मछली देखते हैं कितनी फंसी हुई है। खिसक रहे हैं, बहुत तेज बारिश हो चुकी है, यहाँ पर निकल गया है। तो अब हम इसमें, ये मैंने एक कैरी बैग ले लिया है मछली रखने के लिए, इस बैग को इधर रख लेते हैं। अब हम चलते हैं चेक करने के लिए। हमने नेट को इधर बांधा था, लेकिन वो बारिश के कारण तेज हवा चली थी जिससे तैर कर इधर कहीं आ गया है। हम उसको देखते हैं कहाँ पर है। ये डला हुआ है इधर, डूबा हुआ है ना इसमें। अब हम चेक करते हैं मछली है या नहीं है। इसको हम इस तरह से चेक करते हैं, लग तो नहीं रही कि मछली है। ऐसे ही करके चेक कर लेते हैं आराम से। नहीं, मछली मिल गई गाइस। मछली दो तीन इस तरह से मछली को, इसको हम इस तरह से मुंडी पकड़ते हैं, ऐसे खिसका लेते हैं इसमें। अब हम आगे और चेक करते जाते हैं। फिस 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 फिस। बड़ी मछली को हम एकदम सावधानी से निकालते हैं ताकि नेट अपना फट ना जाए, बिल्कुल ना फट पाए। नेट नहीं फटना चाहिए, इस तरह से हम इसको निकालते हैं। अब हम आगे और चेक करते हैं। यहाँ फंसी हुई है, यहाँ फंसी हुई है। आगे चेक करते हैं धीरे धीरे, स्लो स्लो। एक छोटी सी मछली, इसको भी हम निकाल लेते हैं, कहीं केंकड़ा ना लग जाए, इसलिए हम इसमें मछली नहीं फंसी रहने देते हैं। वाओ, ये फंसी नहीं है ये फिश, ये खाली उसमें लपड़ गई है। किस लिए लपड़ी है? क्योंकि मैंने आपसे बोला था ना कि नेट को एकदम ढीला रखना है, तो ये ढीले के कारण इतनी बड़ी फिश इसमें आ गई है। यदि नेट को अपन टाइट रखते जब हम ये बॉल बांध रहे थे तब हमने ढीला रखा था, अगर हम ज़्यादा टाइट रखते तो ये बड़ी फिश नहीं फंस पाती। इसमें वही फिश फंसती जितने साइज का नेट है, उससे बड़ी ये फंस ही नहीं पाती। इसके लिए साइज का है, लेकिन उसमें बड़ी फंस रही है। क्यों? क्योंकि हमने उसको बहुत ढीला बांधा है। सीधी सी बात है, कुछ है, कुछ कुछ ये यहाँ पर कुछ है। इसको इस तरह से हमने निकाल लिया है, ये कहीं से फंसा नहीं था। ये बड़ी फिश है, जो अपना फंदा है उससे काफ़ी बड़ी है, तो ये फंस नहीं पाई, उसमें खाई लपड़ चुकी है। और हम आगे चेक करते जाते हैं, यहाँ पर जी इस तरह से इसको निकाल लिया। तो यहाँ पे हमारा सबसे लास्ट भाग है, यहाँ पर भी मछली है। ये हमारा सबसे लास्ट भाग है, यहाँ पर मैंने बांधा था। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे नेट के लिए एक बार और दोबारा से हम इसको वापस रीचेक करते जाते हैं। उसके बाद हम इसको 15 से 20 मिनट बाद निकाल लेंगे। एक बार बस रीचेक करते हैं उसको हल्के हल्के ऐसा। तो अभी हम बाहर निकलते हैं, उसके बाद हम 15 मिनट बाद नेट को फाइनली निकाल के हम घर के लिए रवाना होंगे।
इतनी मछली हमें मिल चुकी है। ये आप देख रहे हो, ये कम से कम 400 ग्राम से ज़्यादा है। ये कुछ बड़ी साइज की मिली हुई है, और जो हमारा नेट था वो इतनी साइज का था, इस साइज का हमारा नेट था। लेकिन ये मछली इसलिए मिली है क्योंकि हमने ढीला बांधा है नेट के लिए। तो भाई 15 से 20 मिनट बाद हम चलते हैं नेट निकालने के लिए। तो हम नेट के दूसरे वाले छोर पर पहुंच गए हैं। इसको आप देख सकते हो, ये हमने पहले यहाँ पे बांध के रखा था, अब इसको हम यहाँ से खोलते हैं। इसके लिए इस तरह से हम पकड़ते हैं, और याद रहे ये जो फ्लोटिंग करने के लिए बॉल बांधी हुई है इनको नहीं पकड़ना है। जे बस गलती मत करना, इनको यदि आप पकड़ते हैं तो बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से और बहुत बुरी तरह से ही उलझ जाते हैं। तो हमें उससे थोड़ी आगे पकड़ना है, ऐसे इस तरह से हम इसको पकड़ते जाते हैं। इसमें जो मछली रहेंगी अब तो वो फंसी रहेंगी। ये फिर वो एक बॉल आया, इसको नहीं पकड़ेंगे, इसके आगे ऐसे पकड़ेंगे। देखो ये मछली भी इसमें फंसी हुई है, उसको हम फंसा रहने देंगे। और ये इसकी लास्ट वाली बॉल है, लकड़ी भी फंस रही है इसमें, वो भी हम निकाल लेंगे। इसका ये लास्ट छोड़ है, जी लास्ट छोड़ है, तो इससे हम इसको बांध देते हैं। इसको कैसे बांधते हैं, ये मैंने पकड़ के रखा है इसको, पहले इसको हम ऐसे मोड़ते हैं। मोड़ने के बाद इस रेशम से जो लास्ट वाला छोड़ है इससे हम इस तरह से, इसे हम इस तरह से कसते जाते हैं। ये हमारा नेट बन गया है, अब इसको हम समेट लेते हैं। इसको हमने समेट लिया, देखो जी मछली भी फंसी हुई है, जी कुछ मछली भी फंसी हुई है। इसको हम पूरे को समेट लेते हैं, इसमें जो कुछ भी फंसा है जी लकड़ी वगैरह हम सबको निकाल देंगे। ये क्या है, पानी बारिश हुई है तो हवा चली थी उसके कारण ये बहकर आ गई होंगी। और एक जो किनार है ना, इस पे लकड़ी है, ये देख रहे हैं ना, तो इस कारण से इसमें लकड़ी फंसी हुई है। इनको बहुत बारीकी से और आराम से हमें निकालना है। ये ट्यूब है, ट्यूब की हम हवा निकाल दी है, इसको हम पैक करके ले जाएंगे। तो अब इसको हम सुलझा लेते हैं, फिर देखते हैं कितनी फिश हमें मिली हुई है। इतनी हमें फिश मिल चुकी है, हमारी फिशिंग हो गई है, अब हम घर को निकलते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे ऐसा ही कंटेंट आपको मिलता रहेगा एकदम चैनल।